तो हेलो माय टू फैमिली, वेलकम करते हैं आपको स्पॉट टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप 10th या 12th पास किए हैं और आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है या पेंडिंग में अटका हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आपका फॉर्म अभी पेंडिंग में अटका हुआ है या कहाँ तक पहुँच गया है और कब तक आपके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आपके लिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ से कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया है। सर्च बार में आपको यहाँ सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो खुलकर आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ देर वेट करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस खुल दिख जाएगा ऐसा। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, वेरीफाई आवर स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करने से आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो वेरीफाई भी हो जाएगा और आप चेक भी कर लेंगे। दोस्तों, चलिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आप अपने आधार नंबर से या मोबाइल नंबर से या यूज़र आईडी से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आधार नंबर से मैं चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अपना आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। आप भी अपना वो डालकर यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कर लीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका पर्सनल डिटेल्स दिख जाएगा। ये पर्सनल डिटेल्स है इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। देखिए दोस्तों, अकाउंट स्टेटस एक्सेप्टेड दिख रहा है। दोस्तों, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है। दोस्तों, आपने जो एप्लीकेशन जो कॉलेज में भरा था वो एक्सेप्ट हो चुका है। दोस्तों, ये फिजिकल वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपके कॉलेज में जो फिजिकल जो आपने दस्तावेज जमा किए थे उसको आपने अभी कॉलेज में वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ ही दिनों के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और कमिटी स्टेटस इस कॉलेज से ही होता है, ये भी आपका बिल्कुल तरह से हो जाएगा। दोस्तों, ये तीनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके खाते में अकाउंट में पैसे भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आपको चिंता लेने करने की कोई बात नहीं, आपके कुछ दिनों में आपके खाते में पैसा चला जाएगा। दोस्तों, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने चेक किया था कि आपके स्कॉलरशिप की लिस्ट में नाम आया है कि नहीं, वो आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर जाके एक बार देखें, क्योंकि वो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं।